बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुलफिया हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर सब्जेक्ट इज काउंट डाउन फॉर क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8B। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 में है पेरीमीटर एंड एरिया। जी हमने अपने पिछली वीडियो में जो 8A है जिसके अंदर हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया था, अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि है 8B, जिसमें हम एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिफरेंस जान लेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या है। इसके बाद फिर हम अपनी जो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेप कैन बी डिफरेंशिएट एज फॉलोज। एरिया इज़ अ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड रीजन, वाइल पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन्स ऑफ द रीजन। जी जो एरिया होता है वो किसी भी जो बंद शक्ल होती है उसका अंदर का जो इलाका होता है या अंदर की जो सरफेस होती है वो कहलाता है एरिया, यानी कि इसको कहते हैं रकबा। और जो पेरीमीटर होता है वो किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी जो लेंथ है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो एरिया जो है आपके सामने क्लोज शेप जो है वो आपके सामने ये दी गई है, जिसके अंदर जो एरिया भी शो किया गया है, जो उसकी जो उसका जो पैरामीटर है वो भी शो किया गया है। देखें जो एरिया जो होता है वो किसी भी वंश शक्ल का अंदर का जो इलाका होता है उसको एरिया कहते हैं। जो पैरामीटर होता है वो किसी भी वंश शक्ल की जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है उनका जो सम होता है वो पैरामीटर कहलाता है। तो हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 8B के अंदर तो हमने एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। जी पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम पहले करेंगे ताकि जो बाकी क्वेश्चन है वो हमें करने आसान हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में इसका ए पार्ट क्या है। यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में हमने जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया जब हम किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करते हैं तो उसकी एक लेंथ और एक ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से जो जो भी फिगर आएगी वो हमारा एरिया होगा। तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें लेंथ जो दी है वो 10 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ दी है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम लेंथ को लेंथ के नीचे लिखेंगे और जो ब्रेथ है उसको ब्रेथ के नीचे लिखेंगे। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से जो हमारी फिगर आएगी वो होगी 17 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वेयर में होता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो होगा वो एरिया रेक्टेंगल का जो है एरिया होगा। जी क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। अब हम यहाँ पे जो स्क्वेयर है उसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया था। अब हम यहाँ पे स्क्वेयर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक जो उसकी साइड की जो लेंथ है वो दी हुई है वो है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर तो हम इसको भी उसी तरीके मेथड से ही सॉल्व करेंगे, यानी कि एरिया किसी भी क्लोज फिगर का फाइंड आउट करना हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया जो है वो किसी भी बंद शक्ल का फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो जो लेंथ दी गई है उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि जो जो स्क्वेयर होता है उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। तो इसलिए उन्होंने इस समय सिर्फ एक ही जो साइड की जो लेंथ है वो दी होती है। तो हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 10 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी मेथड से सॉल्व होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने करवाया है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी उसी मेथड से ही सॉल्व होंगे। तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम खाली जगह यहाँ पे पूरा करेंगे। तो देखते हैं पहली खाली जगह क्या है। तो ए है द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूनिट स्क्वेयर।
इफ एल इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज एल स्क्वायर यूनिट टू. नेक्स्ट होगा इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल 9 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल 4 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज 36 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जी क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. ए अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरियाज. ट्रू क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा. तो जो रेक्टेंगल है उसको हम उसकी लेंथ और ब्रीथ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को तो उसका आंसर भी 16 होगा. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी 16 आता है और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी 16 आता है तो दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि 15 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 150 आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. If length is equal 18 centimeter and breadth is equal 1 centimeter, then the area is 18 centimeter square. This statement is right. The next question is select the correct answer from the giving options. The students ये कुछ options दिए गए हैं जिनके four जो हैं वो answers दिए गए हैं. हमने इनमें से right answer का जो है वो इंतखाब करना है. तो देखते हैं statement पहले क्या है. The area of the shaded part is the given figure is. इसका आंसर होगा 3 whole 1/2 centimeter स्क्वायर क्योंकि टू शेप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं और बाकी 3 जो शेप्स हैं वो हाफ हाफ हैं तो ये हो जाएगी 3 whole 1/2 centimeter स्क्वायर. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज तो एरिया फाइंड करना है 2 को 2.5 सेंटीमीटर को हम 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 20.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पॉइंट जो है वो 0 से सार कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज तो इसका आंसर होगा 8 मीटर स्क्वायर क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 है और जो ब्रीथ है वो 2 है तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर आता है तो इसका राइट आंसर होगा 8 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है If the perimeter of the square is 16 centimeter, then its area is 16 centimeter square. ये यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर स्केयर का जो वो साइन नहीं था तो मैंने यहाँ स्केयर का साइन लगा के तो इसको करेक्ट कर दिया है तो ये होगा क्योंकि जब एरिया आप किसी भी चीज़ का फाइंड करते हैं तो उसके साथ स्केयर मस्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्केयर. ई पार्ट है द साइड ऑफ अ स्केयर इज 11 सेंटीमीटर इट्स एरिया विल बी तो स्केयर के जो एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तो यहाँ पे जो स्केयर की जो साइड की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है तो 11 मल्टीप्लाई 11 तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्केयर में इसका आंसर आता है तो ये इसके जो बी पार्ट का बी ऑप्शन जो है वो उसका राइट होगा 11 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर. जी स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. हम तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस करेंगे ताकि तमाम कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएं. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.